हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम वार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और सावधान भी होंगे। सावधान होंगे कोरोना वायरस से। तो दोस्तों, अब वो सावधानी हमें और बढ़ानी है, क्योंकि क्योंकि चीन में एक और ऐसा ही वायरस जो बिल्कुल कोरोना जैसा है, टिक बॉर्न वायरस पाया गया है। तो जो इस समय चीन में अब तक 7 लोगों की जान ले चुका है और 60 लोग उससे इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम इस टिक बोर्न वायरस के बारे में, जो चीन में ही पाया गया है जहां से कोरोना आया था, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। और हम इन बिंदुओं पर, जैसे टिक बोर्न वायरस क्या है, कहां ये पाया गया, टिक बोर्न डिजीज जिससे होता है वो डिजीज क्या है, उस डिजीज के लक्षण क्या है और उस रोग से बचाव के क्या क्या उपाय हैं, हम इन बिंदुओं पर इस क्लास में बात करेंगे। तो इस पूरी जानकारी को पाने के लिए आप इस क्लास को पूरा देखिए। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं एक एक करके सभी बिंदुओं को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं टिक बॉर्न वायरस है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले वायरस, जैसा कि कोरोना वायरस अभी चल ही रहा है, पूरी दुनिया उससे जूझ रही है, जिसकी रिपोर्टिंग जिसका पहला केस दिसंबर 2019 को चीन में मिला था और उसके बाद में ये पूरे विश्व में फैल गया। भारत आज दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर अमेरिका चल रहा है। दोस्तों, चीन वो देश है जो ऐसी सीरियस बीमारियों की जानकारी या कोई भी ऐसा खतरनाक मुद्दा, उसकी जानकारी छुपा लेता है चीन के। हालांकि चीन को पहले ही पता था कि ये वायरस है जो चीन में अटैक कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है, लेकिन चीन ने कोरोना वायरस के बारे में बिल्कुल इंफॉर्मेशन लीक नहीं की। जिस डॉक्टर ने पहली बार ये पूरे विश्व को बताया था कि चीन में एक खतरनाक वायरस जो कोरोना वायरस था वो लोगों की जान ले रहा है, तो चीन ने उस डॉक्टर को कहां गायब कर दिया ये आज तक नहीं पता है। लोगों का अनुमान है कि उस डॉक्टर को मार दिया गया था। तो ऐसा चीन करता है। और आज भी ऐसी ही जानकारी चीन से आ रही है कि चीन में एक खतरनाक वायरस दूसरा आ गया है, जो क्या है, वो टिक बॉर्न वायरस है। अब टिक बॉर्न वायरस क्या है दोस्तों? सबसे पहले वायरस क्या है? दोस्तों, वायरस एक ऐसी कड़ी है जो सजीव भी है और जो निर्जीव भी है। किसी भी सजीव के शरीर में जब ये प्रवेश कर जाता है, जानवर हो, इंसान हो, कोई भी जीवित व्यक्ति जानवर हो, उसके शरीर में जब ये प्रवेश कर जाता है तब ये सजीव लक्षण शो करता है। और अगर ये किसी जीवित शरीर से बाहर रहता है तो वायरस निर्जीव रहता है। तो ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है जो एनिमल्स, जो जानवरों या ह्यूमन बीइंग्स के शरीर में प्रवेश करके उनको भारी क्षति, यहां तक कि उनकी जान भी ले सकता है। तो दोस्तों, ये है वायरस। और जो टिक बॉर्न वायरस है दोस्तों, वो आरएनए वायरस है। कैसा है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड वाला वायरस है। जनरली वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा, या फिर आरएनए होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। तो इस वायरस के अंदर दोस्तों आरएनए ही पाया जाता है, डीएनए नहीं। और किसी वायरस के अंदर दोनों आरएनए और डीएनए नहीं होंगे, कोई एक ही होगा। तो इस वायरस के अंदर आरएनए है, ये आरएनए वायरस है, जैसे कोरोना आरएनए वायरस है तो ये भी वैसा ही आरएनए वायरस है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों, आते हैं टिक बॉर्न वायरस क्या है। अब टिक क्या है दोस्तों? यहाँ पे एक वर्ड है टिक, इसका मतलब समझ लेते हैं। दोस्तों, आपने अगर साइंस पढ़ी है तो बायो में पढ़ा होगा ऑर्थोपोडा संघ। तो वो ऑर्थोपोडा संघ का ये एक क्या कहते हैं, छोटा सा मच्छर टाइप का कीड़ा होता है जिसके अंदर बोन्स, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो टिक इनवर्टेब्रेज वो कीड़ा है जिसके अंदर, जिसके शरीर में बैकबोन रीढ़ की हड्डी या हड्डी नहीं पाई जाती है। अच्छा, अगर हम ऑर्थोपोडा में क्लास की बात करें तो एरेक्निडा जो क्लास है, उस एरेक्निडा क्लास के ये पैरासाइट्स मतलब परजीवी हैं। ये खुद का भोजन नहीं बनाते हैं, टिक खुद का भोजन नहीं बनाते हैं, ये दूसरों के शरीर से, दूसरे जानवर या दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के शरीर से खून चूसकर जिंदा रहते हैं। तो ये पूरी तरीके से दूसरे जानवरों के खून पर डिपेंड रहते हैं
और इसीलिए इनको पैरासाइट या परजीवी कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो मकड़ी, सैंड फ्लाई, दीमक, मच्छर आदि, इनके जैसे लगभग 60 प्रकार के कीड़े हैं जो टिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको हम टिक कहते हैं। तो दोस्तों ये वायरस मच्छर से फैल सकता है, दूसरे टिक्स के काटने से फैल सकता है, तो बड़ा ही खतरनाक वायरस ये चाइना में इस समय तबाही मचाए हुए है। तो दोस्तों ये आपने बात की टिक क्या है और वायरस क्या है, तो टिक बोन वायरस। अब टिक बोन वायरस वो है जिसको टिक्स मतलब मच्छर, मकड़ी, दीमक इनके काटने से लोगों में फैलता है, तो उसको हम कहते हैं टिक बोन वायरस। हालांकि एक्सपर्ट ये भी अनुमान लगा रहे हैं, चाइना के कुछ डॉक्टर्स भी अनुमान लगा रहे हैं कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे कोरोना वायरस खांसने छींकने से कॉन्टेक्ट से फैलता है, तो ऐसे ये भी फैल सकता है। तो कहने का मतलब इससे भी हमें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अब दोस्तों ये वायरस हुआ कैसे फैलता है, ये पहली बात टिक से फैलता है और ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब कहां पाया गया दोस्तों, सबसे बड़ी बात जहां से कोरोना वायरस आया है वहीं चीन में ये वायरस भी पाया गया। पता नहीं क्यों चीन में इतने वायरसेस पाए जाते हैं और चीन दुनिया को वायरस एक्सपोर्ट कर देता है। तो अब दोस्तों ये वायरस भी चीन में ही पाया गया, चीन के जिजियांग और अनहुई प्रांत में पाया गया, जहां ये लगभग सॉरी जहां ये 7 लोगों की जान ले चुका है और 60 लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं इससे। जिजियांग प्रांत में 37 लोग इससे इन्फेक्टेड है और अनहुई प्रांत में 23 लोग इससे इन्फेक्टेड है, और टोटल 7 लोगों की जान अब तक इस वायरस से जा चुकी है, या 7 लोगों की जान ये वायरस अभी तक ले चुका है। अब दोस्तों इस वायरस से होता है टिक बॉर्न डिजीज। क्या होता है दोस्तों, टिक बॉर्न रोग होता है। और टिक बॉर्न रोग क्या है दोस्तों, टिक बॉर्न रोग है सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम। तो दोस्तों इस रोग से, जो रोग होता है टिक बॉर्न वायरस से, उस रोग में बहुत तेज फीवर आता है। क्या होता है दोस्तों, ये बहुत तेज फीवर आता है और साथ ही साथ इस रोग के होने से ब्लड प्लेटलेट्स, जैसे डेंगू या चिकुनगुनिया में अपनी प्लेटलेट्स काउंट गिर जाता है, प्लेटलेट्स काउंट ह्यूमन बॉडी में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होना चाहिए, तो ये जो ब्लड काउंट है, जो ब्लड प्लेटलेट्स है, इनकी संख्या तेजी से घट जाती है। और साथ ही साथ जो ल्यूकोसाइट्स, ब्लड में जो ल्यूकोसाइट्स प्लेटलेट्स होती हैं, उनकी संख्या भी बहुत तेजी से गिर जाती है। और इसकी वजह से जिस व्यक्ति के अंदर ये रोग होता है उसको तेज बुखार आता है और खांसी भी आती है, और तेज बुखार खांसी की वजह से कभी कभी लोगों की जान भी जा सकती है, जैसे कि 7 लोगों की जान चीन में जा चुकी है। अब दोस्तों इसके लक्षण ये हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब बचा है बचाव के उपाय। बचाव पे आने से पहले हम इसकी थोड़ी बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये चीन में सबसे पहले 2010 में चीन में रिपोर्ट किया गया था, सबसे पहले इसकी पहचान 2010 में चीन में की गई थी, और चीन से फिर ये कहा गया था जापान गया था, जापान पहुंच गया, फिर कोरिया में भी इसके कुछ केसेस पाए गए, और 2011 में चीन ने अपने आप को ये डिक्लेयर कर दिया कि अब ये वायरस खत्म हो गया। दोस्तों एक बार फिर से ये वायरस चीन में देखा गया है। अच्छा अब इसके अलावा जो वायरस इस टाइम पे चीन में है उसके बारे में जो डेथ रेट है, उसकी जो फेटेलिटी रेट है वो है 10 से 16%। कहने का मतलब 10 से 16% लोगों की मृत्यु इस वायरस से हो जाती है। और जब ये शुरू में जब ये शुरू में पाया गया था, स्टार्टिंग में जब ये पाया गया था, तब एक्सपर्ट्स की राय, चाइना की जो इंफॉर्मेशन एजेंसी है उसके अनुसार इसकी डेथ रेट लगभग 30% के आसपास थी, लेकिन करंट में इसकी डेथ रेट लगभग 10 से 16% के बीच में है। ये चाइना की न्यूज इंफॉर्मेशन एजेंसी के की द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों ये 2010 में चीन में पाया गया था, फिर वहां से जापान और कोरिया गया था, और प्रेजेंट में जिजियांग और अनहुई प्रांत में, जो चीन के जो दो प्रांत है वहां पर ये तबाही मचा हुए, 37 लोग जिजियांग में और 23 लोग अनहुई प्रांत में से इन्फेक्टेड है, 7 लोगों की जान ले चुका है।
तो ये तो इसके बारे में हम लोग डिटेल जान ली। अब इसके बचाव के उपाय क्या है दोस्तों? जैसे हम कोरोना के बचाव को अपना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, अनावश्यक काम से बाहर घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो दोस्तों यही इसके बचाव के उपाय हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग को उसको फॉलो करें, मास्क को अच्छी तरीके से पहने और अनावश्यक काम से घर से बाहर ना घूमें, ये इसके बचाव है। और साथ ही साथ इसमें दवा कौन सी दी जाती है, जैसे कोरोना वायरस में लक्षण के अनुसार दवा दी जाती है, ऐसे ही इसमें बुखार या खांसी में उसके लक्षण के अनुसार ही दवा दी जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की टिक बॉर्न डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो इस जानकारी को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी हर एक न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।